नौकरी दिलाने के नाम पर 10 लाख की ठगी, आरोपी पिता पुत्र हुए गिरफ्तार। पैसा लेकर पीड़ित को पकड़ाया, फर्जी नियुक्ति पत्र, कोतवाली पुलिस ने की कार्रवाई, पिता सहित 2 पुत्र हुए गिरफ्तार। आपको बता दें कि नौकरी देने के नाम पर 10 लाख की ठगी करने वाले 3 आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वाशिंग पूर्वा चौरहटा निवासी ब्रिजेश विश्वकर्मा की शिकायत पर आरोपी अरुण कुमार विश्वकर्मा, मनीष विश्वकर्मा एवं पीयूष विश्वकर्मा को सिटी कोतवाली थाना प्रभारी एपी सिंह व उनकी टीम के द्वारा अनूपपुर से गिरफ्तार किया गया है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि अनूपपुर जिले के भालूमाड़ा निवासी अरुण विश्वकर्मा ने अपने 2 पुत्रों के साथ मिलकर नौकरी दिलाने के नाम पर 10 लाख रुपये की ठगी की थी। पैसा देने के बाद जब फरियादी के द्वारा नौकरी की बात की गई तो आरोपियों ने उसे कोतमा के कॉलरी में नौकरी हेतु फर्जी नियुक्ति पत्र दे दिया। मामले का खुलासा उस समय हुआ जब फरियादी नियुक्ति पत्र लेकर नौकरी करने पहुंचा, जहां से अधिकारियों ने उसे फर्जी नियुक्ति पत्र बताते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया। ठगी का शिकार हुए ब्रिजेश विश्वकर्मा के द्वारा नवंबर माह में कोतवाली थाने में शिकायत की गई थी। इसके बाद आरोपियों को अनूपपुर में से गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी अरुण विश्वकर्मा कॉलरी में ही नौकरी करता है, जिसके झांसे में फंसकर फरियादी के द्वारा उसे 10 लाख रुपये दिए गए थे। प्रस्तुत है सिटी कोतवाली थाना प्रभारी एपी सिंह से प्राप्त जानकारी के अनुसार। ये ब्रजेश विश्वकर्मा और रमेश विश्वकर्मा दोनों की वासिंग पूर्वा SF चौराहे के निवासी हैं और ये नौकरी की तलाश में थे, तो इनके दूर के रिश्तेदार हैं उन लोगों ने, जो कि पिता NCR कालरी में कोतमा में नौकरी करता है, उसके द्वारा इनको सूचना दी गई कि यदि आप लोग जिस पद वाइज नौकरी दी जा रही है और उस समय राशि जमा करनी पड़ेगी कुछ, उस अनुसार जो जितनी ज़्यादा राशि जमा करेगा उस अनुसार उसको पद दिया जाएगा सुपरवाइज़र का और इस टाइप से। तो उनके द्वारा बातचीत तय की गई और उसके बाद फिर उनसे लगातार कुछ नगद, कुछ मोबाइल के माध्यम से खातों में पैसा जमा कराया गया, तो दोनों में मिल करके 10 लाख रुपये उनको कुल दिए। और जब नौकरी की बात आई, लगातार मिलवाए, इधर उधर ले जाएँ, ऑफिस में मिलवाएँ, फिर एक फर्जी नियुक्ति पत्र दिया और लेके जब गए तो वहाँ पर उन्होंने भगा दिया, ये तो गलत है, यहाँ का नहीं है। तो उसके बाद फिर वो आपस में बात करने लगे कि भाई हमारा पैसा वापस कर दो, तो वो टालते रहे उसको। उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर उनसे बातचीत करना बंद कर दिया और वो जो पैसा लिया था वो अपने और अपने दोनों लड़कों के खातों में जमा कराए थे, और बातचीत भी ये पिता और दोनों पुत्र ये लगातार उनसे कर रहे थे। तो इस आधार पर जब उनके द्वारा रिपोर्ट की गई, जिस पर से उसकी जाँच कराई गई, जांच में ये पाया गया कि हाँ, इसके साथ उनके साथ फ्रॉड किया गया है, अपराध पंजीबद्ध कर उनकी लगातार तलाश की जा रही थी और उसके सूचना मिली कि अभी वहाँ मौजूद है कोतमा में, तो पार्टी भेज करके और दबिश दी गई, जहाँ पर से पिता और दोनों पुत्र दस्तयाब हुए हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है, आज नया जेल भेजा गया है। हाँ, पिता है और 2 पुत्र हैं। तो पिता जो है वो नौकरी करता है कालरी में, और कालरी में नौकरी के कारण से उस ये लोग उसके बहकावे में आ गए और वो प्लान करके इनको चूतिया बना करके और लगातार उनसे पैसा लिया, जो अपने खातों में, अपने और लड़कों के खातों में जमा करवाया, और उसके बाद फिर उसने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे पैसा, ना देंगे और ना हमारे पास कोई नौकरी है।